अब तक की कहानी। हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद एक गंधर्व के हाथों मारे जाते हैं। विचित्र वीर्य उनके बाद राजा बनते हैं। भीष्म काशी जाते हैं और अपने साथ तीन राजकुमारियों को लेकर आते हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब भीष्म अपने साथ काशी की तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाते हैं, तब उनमें से सबसे बड़ी अंबा भीष्म से विनती करती है कि वो उसे राजा शल्व के पास जाने की इजाजत दे, जिनसे वो प्रेम करती है। भीष्म कहते हैं कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकती है। अंबा की बहनें अंबिका और अंबालिका राजमहल में रुक जाती हैं और राजमाता सत्यवती उनका स्वागत करती है। अंबा भीष्म का शुक्रिया कर राजा शल्व के पास जाने के लिए निकल जाती है। उन्हें विश्वास था कि शल्व खुले बाहों से उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद वो खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। पर जब अंबा शल्व के पास पहुंचती है तो उन्हें ना सुननी पड़ी। राजा शल्व ने उनसे कहा कि वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक पराया आदमी उन्हें अपने साथ ले गया था। राजा ने कहा कि वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो अंबा को भीष्म के पास ही लौट जाने को कहते हैं। अपने दिल के हजारों टुकड़े लेकर अंबा हस्तिनापुर लौट गई और भीष्म को अपनी हालत बताई। अंबा ने भीष्म से निवेदन किया कि वो उनसे विवाह करे ताकि वो खुद को अपमान से बचा सके, पर भीष्म अंबा की विनती को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्या की प्रतिज्ञा से बंधे थे। अंबा भड़क उठी। उन्होंने भीष्म पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने भीष्म को कोसा कि अगर उन्हें विवाह ही नहीं करना था तो क्यों स्वयंवर से उनका अपहरण किया। अंबा ने अपने दुर्भाग्य के लिए भीष्म को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक वो भीष्म से इस बात का बदला नहीं लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। फिर अंबा निकल पड़ी उस व्यक्ति की खोज करने जो उनका बदला पूरा करेगा, पर वो जहां भी गई वहां कोई ऐसा शूरवीर नहीं था जो भीष्म के सामने खड़े होने का साहस भी कर सके। गंगा पुत्र की महानता के किस्से हर कहीं मशहूर थे। कोई भी अंबा का पक्ष लेने को तैयार नहीं हुआ। सारी उम्मीदें टूट जाने के बाद अंबा ऋषि परशुराम के पास पहुंची। परशुराम विष्णु के अवतार माने जाते थे और कभी भीष्म के गुरु भी रह चुके थे। परशुराम ने अंबा को भरोसा दिया और कहा कि वो भीष्म को विवाह करने के लिए मना लेंगे। जब ये साफ हो गया कि गंगा पुत्र भीष्म अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, तो गुस्से में आए ऋषि परशुराम ने मौत आने तक उन्हें खुद से लड़ने की चुनौती दी। भीष्म और परशुराम लगातार लड़ते रहे। दोनों योद्धाओं ने अपनी हर युद्ध कला और शक्ति का प्रयोग किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 23 दिनों तक लगातार चलते रहे युद्ध के बाद भी कोई विजेता नहीं बना। भीष्म विष्णु के अवतार परशुराम को नहीं मार सके और परशुराम भीष्म को नहीं मार सके, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दोनों योद्धा बराबरी के थे। इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। आखिरकार भीष्म के संकल्प की जीत हुई और परशुराम ने हार मान ली। उस दिन अंबा का बदला पूरा नहीं हुआ, पर युद्ध भूमि से जाते समय ये साफ था कि उसने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी।